हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त टेक वर्ल्ड बाय रिशु, लेकर आ गया हूं आपके लिए और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो में बताने वाला हूं, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया कि चाइनीज वीडियो आप किस तरीके से उठाकर अपने चैनल में अपलोड कर सकते हैं, कहाँ से चाइनीज वीडियो उठानी है, कैसे अपलोड करनी है, किस तरीके से एडिट करनी है, उसी से रिलेटेड मैं आज कुछ बताने वाला हूँ आपको, बहुत जरूरी, जो आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और चैनल ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करने वाला है आपका। मैं 5 टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला टॉपिक मैं बताने वाला हूँ आपको, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक कहाँ से ले, कौन से चैनल से सॉन्ग उठाएं, कहाँ से उठाएं, कैसे अपने चैनल में लगाएं। तो पहला टॉपिक होने वाला है ये। दूसरा टॉपिक होने वाला है दूसरों की वीडियो कैसे अपने चैनल में डाल सकते हैं हम। तीसरा टॉपिक होने वाला है हमारा कैटेगरी, अपने चैनल की कैटेगरी क्या रखें, कैटेगरी क्या होता है। चौथा टॉपिक होने वाला है हम दूसरों की वीडियो कहाँ से उठाएं, मतलब कौन से चैनल की वीडियो हमें उठानी है, कौन सा चैनल बेस्ट है। उसके बाद आता है एक टॉपिक, वीडियो को एडिट कैसे करें। और लास्ट में हमारा टॉपिक होने वाला है अपनी वीडियो को वायरल कैसे करें, अपनी शॉर्ट को वायरल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पे और बताता हूँ किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें बताऊँगा एक एक करके, तो वीडियो को मिस मत करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यार वीडियो पर मैं देख रहा हूँ व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन लाइक कोई नहीं कर रहा है वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले चीज़ मैंने आपको बताई कि कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक कैसे लें। दो चीज़ें होती हैं, हम YouTube से डायरेक्ट कॉपीराइट फ्री म्यूजिक भी ले सकते हैं जो हमें YouTube अवेलेबल कराता है, और दूसरा हम किसी और के चैनल से कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लेना चाहते हैं। तो मैं एक एक करके ये दोनों बताता हूँ, पहले कि आप YouTube से कैसे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है YT स्टूडियो। आपको YT स्टूडियो की ऐप ओपन नहीं करनी है, आपको YT स्टूडियो लॉगिन करना है अपने क्रोम पे। तो सबसे पहले आप क्रोम पे जाएंगे और ytstudio.com ओपन कर लेंगे। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो यहाँ पे आप टॉप पे जाएंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये नीचे एक आइकन आ रहा है म्यूजिक का, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी कैटेगरी म्यूजिक की आ रही हैं, बहुत सारे म्यूजिक आ रहे हैं। आप कोई सा भी म्यूजिक अपनी वीडियो में उठा के यहाँ से लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं साउंड इफेक्ट भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, किड्स प्लेइंग म्यूजिक। ये देखिए यहाँ पे म्यूजिक खत्म ही नहीं होने वाला है, और आप सॉन्ग प्ले करके देख सकते हैं तो आपको इनमें से जोन सभी सॉन्ग पसंद आएगा। आप अपनी वीडियो में उठाकर यहाँ से सेव करिए और अपने वीडियो पे उठाकर लगा दीजिए। दूसरा मैंने बताया था कॉपीराइट फ्री म्यूजिक में आप किसी और चैनल से कैसे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक उठा सकते हैं। तो एक चैनल मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब पे जहां से आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक उठा सकते हैं। तो लेकर चलता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब पे। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक चैनल है नो कॉपीराइट साउंड करके यूट्यूब पर, जिसके 33 मिलियन सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं इस चैनल के, और इस चैनल ने अप्रॉक्स 1500 वीडियो अपलोड कर चुका है ये, और ये सारी वीडियोस जो हैं ऑडियो इनकी जो है ये कॉपीराइट फ्री है। आप अपने चैनल में उठा के इसे यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जोन सी भी आपको पसंद आ रही है, आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं। What do? The number one serum. 2015 में मोबाइल पे इनमें से कोई सी भी प्ले करके देख सकते हैं, और आपको जोन सी साउंड अच्छी लग रही है वो आप अपनी वीडियो पे यूज कर सकते हैं। एक और चीज इसमें आती है, अपनी वीडियो में कभी भी बॉलीवुड सॉन्ग किसी भी वीडियो से उठाकर मत लगाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके चैनल पे कॉपीराइट आ सकता है और आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा। तो बॉलीवुड सॉन्ग कभी यूज मत करिएगा, या फिर जो मैंने आपको बताया यूट्यूब के जो ऑलरेडी लाइब्रेरी से आते हैं कॉपीराइट फ्री सॉन्ग वहां से यूज कर लीजिए, या फिर आप इस चैनल में इसे यूज कर सकते हैं। ऐसे एक दो चैनल है वहां से भी यूज कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक मैंने आपको बताया था कि वीडियो कैसे अपलोड करें, दूसरों की वीडियो कैसे अपलोड करें, दूसरे चैनल की आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कोई चैनल है जो बहुत फेमस है, कोई सा भी मान लीजिए आप, टेक्निकल गुरुजी को ले लीजिए आप,
तो आप देख सकते हैं, जैसे आपने टेक्निकल गुरुजी का चैनल उठाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चैनल ऑलरेडी फेमस है। तो आप कोई सी भी पॉपुलर वीडियो उठाइए, जो भी 10 मिनट या 7 मिनट की है। आपको क्या करना है इसके लिए, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने आपको सबसे पहले तो ये वीडियो डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है एडिट पे। एडिट के बाद आपके पास, जैसे आपने ये वीडियो देख सकते हैं, ये 10 मिनट्स की वीडियो है, तो आपको इसका कुछ पार्ट वीडियो से ले लेना है, स्टार्टिंग का या मिड का या बीच का, कोई सा भी आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो वीडियो का पार्ट ले सकते हैं। सेकंड चीज आप में इसके करनी है कि आप उसकी पहले तो वॉइस रिमूव कर दें, मतलब म्यूजिक जो आपने वीडियो डाउनलोड करी है उसकी वॉइस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। फिर उसके बाद आपको इसमें अपना थोड़ा सा वॉइस ओवर करना है, और इस तरीके से आप अपने चैनल पे किसी और की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। या फिर इसी में आप एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी सारी वीडियो हैं, आप अलग अलग वीडियोस उठाइए, उनका बीच बीच में से कुछ कुछ पार्ट उठाइए, उन्हें कंबाइन करिए और उनकी वॉइस हटा के अपना वॉइस ओवर देके आप ऐसे भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये थे पहला टॉपिक नो कॉपीराइट साउंड वाला, और दूसरा था दूसरों की वीडियो किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। अब तीसरा टॉपिक क्या बताया था मैंने, कैटेगरी कैसे चूज करें। तो कैटेगरी किस तरीके से आपको चूज करनी है, तो कैटेगरी चूज करने के लिए सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं YT स्टूडियो पे। तो यहां पे आप देख सकते हैं, कोई सी भी वीडियो उठा लीजिए, मान लीजिए ये वाली वीडियो है। जैसे ही आप वीडियो पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेंसिल का मार्क आ रहा है, इस पे आप जस्ट क्लिक करेंगे, आप नीचे ये वाला ऑप्शन देख रहे होंगे मोर ऑप्शन, इस पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है। मैंने एंटरटेनमेंट में अपने सारी वीडियोस की एंटरटेनमेंट चूज कर रखी है, लेकिन आपकी वीडियोस, आप अलग अलग वीडियो कैटेगरी की वीडियो बना रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कॉमेडी की वीडियो है तो आप कॉमेडी सिलेक्ट कर लीजिए, आप म्यूजिक वीडियोस बना रहे हैं तो म्यूजिक सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी कैटेगरी की वीडियो बना रहा हूँ, क्या है मेरे वीडियोस में, तो लोग मोस्टली ये पीपल एंड ब्लॉग वाला चूज करते हैं। तो इस तरीके से आपकी, जैसे स्पोर्ट्स की वीडियोस डाल रहे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कॉन्टेंट आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। इसी में एक और तरीका आता है कि आपको स्टार्टिंग में ही आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी सारी वीडियोस की कैटेगरी एक ही है। उसके लिए आपको जाना है YT स्टूडियो पे, ऐप पे नहीं जाना है, आपको लॉगिन करना है फिर से अगेन क्रोम पे। तो यहां से आपको क्रोम पे जाने के बाद आपको जाना है ये बॉटम में, आप देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप जैसे ही सेटिंग क्लिक करेंगे यहाँ पे आप जाएंगे चैनल्स में। चैनल्स में जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे अपलोड डिफॉल्ट्स में, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे सेटिंग में थर्ड वाले पे जाएंगे अपलोड डिफॉल्ट्स में, उसके बाद जाएंगे एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, आपकी सारी वीडियो की कैटेगरी एक ही है तो आप यहां से स्टार्टिंग में भी कैटेगरी चूज करके रख सकते हैं। मैंने अपनी वीडियोस की एंटरटेनमेंट रखी है, मेरी वीडियो क्योंकि एंटरटेनमेंट टाइप होती है तो मैंने अपनी वीडियो की एंटरटेनमेंट कैटेगरी रखी है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ और मेन पॉइंट जो मैं बताने वाला था, कहां से वीडियो उठाएं और किस तरीके से अपलोड करें। कहां से आप वीडियो उठा सकते हैं, मान लीजिए आप शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रहे हैं, रील वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आपको YouTube से वीडियो उठानी है तो YouTube पे बहुत सारे चैनल हैं। आप जैसे 5 मिनट क्राफ्ट सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं चैनल के ऑलरेडी 80 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और यहाँ पे आप इनके शॉर्ट्स में जाइए और यहाँ पे देख सकते हैं पॉपुलर शॉर्ट्स 397 मिलियन, 330 मिलियन, 221 मिलियन, 162 मिलियन, 156 मिलियन। आपको क्या करना है, इनकी वीडियो सबसे पहले उठानी है। वीडियो उठाने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो की जो वॉइस है उसे कर देना है रिमूव। रिमूव करने के बाद आपको अपना वॉइस ओवर करना है, जैसे मैं प्ले करके दिखा देता हूं एक वीडियो। इस तरीके से आपको वीडियो पे वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर आपको करना है किसी भी ऐप से, आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, आप काइन मास्टर से कर सकते हैं, फिल्मोरा से कर सकते हैं या फिर आप इनशॉट से कर सकते हैं।
मैं जो ऐप प्रेफर करता हूँ वो इनशॉट ऐप प्रेफर करता हूँ, इजी टू यूज है इसलिए मैं इनशॉट प्रेफर करता हूँ। ऐसे ही आपको और चैनल चाहिए तो आप यहाँ पे 5 मिनट क्राफ्ट डाल लीजिए, यहाँ पे आप सर्च में जाइए, टाइप में जाइए, चैनल्स में जाइए, तो आप देख सकते हैं इनका एक चैनल नहीं, इनके बहुत सारे चैनल हैं। आपको कौन सा चैनल पसंद आता है उस चैनल की कैटेगरीज की वीडियो उठा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कितने चैनल हैं। तो यहां से आप वीडियो उठा सकते हैं, ये मैंने बताया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वीडियो की एडिटिंग कैसे करें, और एक चीज हमारी आती है वीडियो को वायरल कैसे करें। तो वीडियो की एडिटिंग कैसे करें, मान लीजिए आपने कोई भी यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड कर ली है, या आपने किसी भी चैनल के लिए जो आप अपलोड करना चाहते हैं वो वीडियो आपने डाउनलोड कर ली है, तो उसके बाद सीधा आपको जाना है इनशॉट पे। इनशॉट पे जाने के बाद आपको जाना है वीडियोस पे, और वीडियोस पे जाने के बाद ये प्लस का साइन आएगा। मान लीजिए आपने ये वीडियो डाउनलोड करी है, तो इस वीडियो पे जाने के बाद आप वीडियो पे क्लिक करेंगे और वॉइस इसकी यहाँ पे आप डिलीट कर देंगे। वॉइस डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा सेगमेंट यहाँ से स्टार्टिंग से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है म्यूजिक के ऑप्शन पे। म्यूजिक के ऑप्शन के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे ही आप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे आपको उसके बाद अपनी वॉइस ओवर देनी है। हे कलुआ तू पूरे दिन से कहाँ था, अरे कपड़ा धुला जरा ये ले, अरे मजा आ गया, थक गया यार काम करके पूरे दिन, अरे कलुआ तू तो और काला हो गया रे, ये ले अपना कपड़ा, अरे कलुआ ये क्या हो गया रे। तो इस तरीके से आपको वीडियोस में डाउनलोड करके वॉइस ओवर दे देना है, और इस तरीके से अपनी वीडियो की एडिटिंग करनी है। इस तरीके से मैंने आपको चैनल बताया आप कहाँ से वीडियो उठा सकते हैं, आप वहाँ से वीडियो यूट्यूब से उठाइए और यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद एक और चीज़ आती है, और लास्ट सबसे मेन चीज़ आती है हमारी वीडियो की वायरल किस तरीके से करें। तो इसको मैं सिंपली एक तरीके से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपकी वीडियो एक 20 सेकंड की है और आपकी एक जना वीडियो देख रहा है और उसने वीडियो पूरी देख ली, तो आपका वीडियो रिटेंशन 100% हो जाएगा। और आपकी वीडियो इसी तरीके से 40 सेकंड की है और आपकी दो बंदों ने वीडियो हाफ देखी, तो आपका वीडियो रिटेंशन 50 हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी वीडियो 40-50 सेकंड की है और आपका वीडियो रिटेंशन आ रहा है 30-35%, तो डेफिनेटली ये वीडियो जो है आपकी वायरल होगी। तो मैं प्रेफर करता हूँ यार मोस्टली आप लॉन्ग वीडियोस बनाइए, 40-50 सेकंड की वीडियो तो रखिए, 40-50 सेकंड वीडियो वायरल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और अपने थोड़े से टैग्स अच्छे यूज़ करिए तो जल्दी प्रेफर होती है, जल्दी वायरल होती है। और आप ये कहाँ से चेक कर सकते हैं कि ऑडियो रिटेंशन कितना है, आपको कितने व्यूज़ में वीडियो, कितने वॉच टाइम मिला वीडियो में, तो यहाँ से जाना है आपको YT स्टूडियो में, और मैं यहाँ पे अपनी पॉपुलर वीडियो दिखाता हूँ। तो ये मेरी एक पॉपुलर वीडियो थी, इस पे आप जाएंगे तो एनालिटिक्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो पे 9.4 मिलियन व्यूज आए हैं, वीडियो पे 13,000 सब्सक्राइबर आए हैं इकलौती एक वीडियो से। आप रीच पे जाएंगे, रीच पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 73% लोगों ने मेरी वीडियो व्यू करी है और 26% ने स्वाइप कर दिया है, उन्होंने वीडियो पसंद नहीं करी। इसके बाद आप जाएंगे एंगेजमेंट पे, एंगेजमेंट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन वीडियो का 16 सेकंड था, जबकि मेरी वीडियो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 12 सेकंड की थी, 12 सेकंड की वीडियो पे 16 सेकंड का व्यू टाइम, तो डेफिनेटली वीडियो वायरल होगी। तो इस तरीके से आप ये अपनी चैनल की, इस तरीके से आप नो कॉपीराइट साउंड जो मैंने पहली चीज बताई, आप अपने चैनल की कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करें, आपको वीडियो कहां से उठानी है, दूसरे के चैनल की वीडियो किस तरीके से अपने चैनल पे डाल सकते हैं, वीडियो एडिट कैसे करनी है, और लास्ट में आता है आपकी वीडियो वायरल कैसे होगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपको चैनल ग्रो करने में। इस तरीके से ये सारी चीज अप्लाई करिए अपनी वीडियो में, देखेगा थोड़े ही दिन में आपकी वीडियो कहां से कहां ग्रो कर जाएगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। यार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं, और एक अच्छा सा कमेंट कर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।